नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का भारत ऑटो वर्ल्ड में। मैं हूं प्रशांत, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जापानीज कार मेकर होंडा रिसेंटली अपनी नई एसयूवी इलेवेट को इंडियन मार्केट में लेके आए हैं। इलेवेट में एसवी, वी, वीएक्स और जेडएक्स ऐसे चार वेरिएंट्स आपको मिलते हैं और उसमें आपको मैनुअल एज वेल एज ऑटोमेटिक दोनों ऑप्शंस मिल जाते हैं। होंडा इलेवेट इंडिया में कम्पीट करती है ह्युंडई क्रेटा, किया सेल्टोस, फोक्सवैगन टाइगून और स्कोडा कुशाक के साथ। वेल, क्रेटा और सेल्टोस दोनों गाड़ियों में आपको पेट्रोल, डीजल, टर्बोचार्ज, नॉन टर्बो ऐसे ऑप्शंस मिल जाते हैं। अगर फोक्सवैगन और स्कोडा की बात करें, यानी कि टाइगून और कुशाक की, तो उनमें भी आपको सारे इंजन टर्बोचार्ज मिलते हैं। वेर एज इलेवेट में आपको सिर्फ नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, टर्बोचार्ज नहीं है। वेल, होंडा अपनी कम्फर्ट, लग्जरी और साइलेंट पावर के लिए जानी जाती है। अगर आप पावर एंथुजियास्ट हो तो आपके लिए शायद ये गाड़ी नहीं बनी। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे वी, वीएक्स और जेडएक्स। ये तीनों आप मेरे सामने मैनुअल ट्रांसमिशन में देख रहे हो। अगर एक्स शोरूम प्राइजेस की बात करें तो वी वेरिएंट है 12,30,900, वीएक्स वेरिएंट है 13,69,900 और जेडएक्स वेरिएंट है 15,09,900। अ स्पेशल थैंक्स टू ऋषभ होंडा नाशिक, जिन्होंने ये गाड़ी रिव्यू के लिए दी है। अगर आप नाशिक या अराउंड रीजन से हैं, तो हैसल फ्री होंडा कार बाइंग एक्सपीरियंस के लिए जरूर कांटेक्ट करिए। तो फ्रंट व्यू से कुछ इस प्रकार से दिखती है वी, वीएक्स और जेडएक्स। तीनों में भी आपको होंडा का बोल्ड सिग्नेचर ग्रिल इस प्रकार से मिल जाता है। सेंटर में आप होंडा का लोगो देख सकते हो। यहाँ पे आप क्रोम की जो स्ट्रिप है वो तीनों गाड़ियों में आप देख सकते हो। नीचे सिल्वर स्किड प्लेट तीनों गाड़ियों में दी गई है, लेकिन एक डिफरेंस मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ग्रिल जो है ये पोर्शन वी मॉडल, वीएक्स मॉडल में इस प्रकार से दिया गया है, जो कि पियानो ब्लैक में नहीं है, लेकिन वही आपको जेडएक्स में ये पियानो ब्लैक में फिनिश किया गया है। हेडलाइट्स की बात करें तो वी, वीएक्स, जेडएक्स तीनों में आपको एलईडी हेडलाइट्स मिल जाते हैं और LED DRLs भी तीनों गाड़ियों में दिए गए हैं, लेकिन V मॉडल में आपको फॉग लैंप नहीं मिलते हैं, जबकि आपको VX और ZX में फॉग लैंप्स मिल जाते हैं। तो साइड व्यू से देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखता है V वेरिएंट। V वेरिएंट में आपको इस प्रकार के 16 इंच के स्टील रिम्स मिल जाते हैं, साथ ही आपको इस प्रकार के व्हील कैप्स दिए गए हैं। इसमें आपको अलॉय व्हील्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे आप ब्लैक कलर की या फिर नॉन पेंटेड व्हील क्लैडिंग देख सकते हो। ये पोर्शन यहाँ पे आप नोटिस करिए, ये ब्लैक में दिया गया है। सिमिलरली अगर हम VX में देखें तो VX और ZX दोनों में आपको 17 इंच के इस प्रकार के डायमंड कट अलॉय व्हील्स दिए गए हैं। और यहाँ पे आप देखो क्लैडिंग जो है वो भी यहाँ पे नॉन पेंटेड या फिर ब्लैक में दी गई है, बट ZX में और क्लैडिंग यहाँ पे बॉडी कलर्ड में दी गई है। तीनों गाड़ियों में आगे लगे हैं डिस्क ब्रेक और पीछे है ड्रम ब्रेक्स। वी मॉडल में है बॉडी कलर डोर हैंडल्स, VX में भी है बॉडी कलर डोर हैंडल्स, लेकिन ZX में है क्रोम के डोर हैंडल्स। यहाँ पे विंडो पे जो क्रोम लाइन है वो आपको वी, वीएक्स, जेडएक्स तीनों मॉडल में मिल जाती है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स की बात करें तो आपको वी मॉडल के जो ये मिरर है आपको मैन्युअली हाथ से ही रिट्रैक्ट करने होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। वेयर एज वीएक्स और जेडएक्स मॉडल में आप इलेक्ट्रॉनिकली रिट्रैक्ट और एडजस्ट कर सकते हो। आपको वी मॉडल में रूफ रेल्स नहीं मिलते हैं, जबकि वीएक्स और जेडएक्स में रूफ रेल्स मिल जाते हैं। अगर हम रियर व्यू से देखें तो कुछ इस प्रकार से दिखते हैं वी, VX और ZX वेरिएंट। तीनों गाड़ियों में आपको इंटीग्रेटेड स्पॉइलर मिल जाता है। तीनों में इस प्रकार का शार्क फिन एंटीना भी मिल जाता है। तीनों गाड़ियों में आपको LED टेल लाइट्स दिए गए हैं। हालांकि ये कनेक्टेड दिखते हैं पूरे, लेकिन वो कनेक्टेड है नहीं, बस यहाँ तक ही ग्लो करते हैं। तीनों गाड़ियों में आपको इस प्रकार की रियर स्किड प्लेट मिल जाती है। तीनों गाड़ियों में रियर डिफॉगर तो मिल जाता है, लेकिन वाइपर सिर्फ VX और ZX में दिया गया है, वी मॉडल में वो मिसिंग है। रिवर्स पार्किंग कैमरा और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको वी, वीएक्स, जेडएक्स तीनों में मिल जाते हैं। आपको वी मॉडल में सनरूफ नहीं मिलता है, वीएक्स और जेडएक्स में आपको सनरूफ मिल जाता है। वी, वीएक्स और जेडएक्स तीनों गाड़ियों के साथ आपको सिमिलर इस प्रकार की रिमोट की मिल जाती है। तो अब चलते हैं इनके अंदर और देखते हैं कैसा है इनका इंटीरियर। तो ये है इलेवेट वी का इंटीरियर। यहाँ पे आप ड्यूअल टोन ब्लैक और बेज इंटीरियर देख सकते हो। ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे प्लास्टिक में दी गई है। यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ इस प्रकार के रेक्टेंगुलर एसी वेंट्स मिल जाते हैं और एसी वेंट्स और यहाँ पे अराउंड आप कुछ गन मेटल की फिनिश यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे जो डोर हैंडल्स है वो भी गन मेटल में फिनिश किए गए हैं। इस गाड़ी में आपको इस प्रकार की 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। साथ ही आपको गाड़ी में 4 स्पीकर्स दिए गए हैं, ट्वीटर्स नहीं है।
स्टीयरिंग व्हील इस प्रकार का है, लेदर रैप नहीं है, लेकिन स्टीयरिंग पे इस प्रकार के कुछ कंट्रोल्स माउंट किए गए हैं। तो ये है इलेवेट VX का इंटीरियर। इसमें भी आपको ब्लैक और बेज ऐसा ड्यूअल टोन इंटीरियर मिल जाता है, लेकिन आप यहाँ पे नोटिस करो ये पोर्शन यहाँ पे पियानो ब्लैक में है। बाकी गन मेटल फिनिश वाली चीज़ें यहाँ पे भी नज़र आती है। मेजर डिफरेंस यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है विथ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स। यहाँ पे गियर नॉब भी लेदर रैप किया गया है। VX में भी आपको इस प्रकार की 8 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है, लेकिन इसमें आपको 4 स्पीकर के साथ 2 ट्वीटर्स भी मिल जाते हैं। और ये है मोस्ट प्रीमियम इन द सेगमेंट ZX मॉडल का इंटीरियर। आप यहाँ पे डैशबोर्ड देख सकते हो, ब्राउन और ब्लैक फिनिश किया गया है। साथ ही जो पोर्शन आपको V मॉडल में प्लास्टिक था, फिर VX में पियानो ब्लैक में था, वो यहाँ पे कुछ वुडन फिनिश में यहाँ पे दिया गया है। तो गाड़ी को प्रीमियम बनाने का यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है। इसमें भी आपको लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील और लेदर रैप गियर नॉब मिल जाता है। बाकी गन मेटल वाले एलिमेंट्स आपको यहाँ पे डोर और एसी इवेंट्स के अराउंड भी मिल जाते हैं। जहाँ वी और VX में आपको 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाते हैं, वही आपको ZX में 10 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाती है। इसमें आपको 4 स्पीकर के साथ 4 ट्वीटर्स मिल जाते हैं। यह है वी वेरिएंट का इस प्रकार से स्टीयरिंग व्हील, लेकिन आपको यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो इस प्रकार का एनालॉग टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। यहाँ पे 2 डायल्स और सेंटर में एक छोटा सा मोनोक्रोम डिस्प्ले, जहाँ पे ओडो टेम्परेचर फ्यूल लेवल शो किया जाएगा। VX मॉडल यहाँ पे भी आपको मिल जाता है पुश स्टार्ट स्टॉप बटन, कुछ इस प्रकार से डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाता है। रोटरी डायल्स है, लेकिन ये डिजिटल में यहाँ पे दी गई है। आपको ZX में कुछ इस प्रकार का डिजिटल टाइप का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है, सिमिलर टू VX। आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 रोटरी डायल्स डिजिटल में। V मॉडल में आपको ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे प्लास्टिक में देखने को मिलेंगी। V मॉडल टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे 2 AC वेंट, यहाँ पे AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे नीचे अगर हम देखें तो एक छोटी स्टोरेज स्पेस यहाँ पे मिल जाती है। साथ ही यहाँ पे 12 वोल्ट पावर आउटलेट और यहाँ पे USB टाइप ए के 2 पोर्ट्स, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक, इस प्रकार से है आर्म रेस्ट, उसके अंदर स्टोरेज स्पेस। अगर हम यहाँ पे वी वेरिएंट का डुअल देखें तो ये पोर्शन यहाँ पे प्लास्टिक में दिया गया है। चारों पावर विंडोज, आउटसाइड रियर व्यू मिरर के कंट्रोल्स और यहाँ पे है लॉक अनलॉक। VX वेरिएंट पे ये है पियानो ब्लैक फिनिश में, यहाँ पे भी है प्लास्टिक। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे यहाँ पे AC वेंट, AC के कंट्रोल्स, फिर यहाँ पे अगर हम नीचे देखें यहाँ पे आपको एक चेंज है, ये है वायरलेस मोबाइल चार्जर। साथ ही यहाँ पे 12 वोल्ट पावर आउटलेट और यहाँ पे है 2 USB के पोर्ट्स, यहाँ पे 2 कप होल्डर्स, यहाँ पे भी आप पियानो ब्लैक फिनिश देख सकते हो, यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक और यहाँ पे है आर्म रेस्ट, उसके नीचे है स्टोरेज स्पेस। जहाँ V मॉडल में ये दोनों चीज़ें प्लास्टिक में थी, वही आपको VX में ये है प्लास्टिक में, लेकिन ये यहाँ पे फैब्रिक में दिया गया है। इसके आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स यहाँ से इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट और रिट्रैक्ट कर सकते हो, लॉक अनलॉक और चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स। द मोस्ट प्रीमियम ऑफ द 3 ZX वेरिएंट, ये यहाँ पे लेदर में फिनिश किया गया है। ये कुछ वुडन फिनिश आप यहाँ पे देख सकते हो, ये पोर्शन प्लास्टिक में है। इंफोटेनमेंट सिस्टम के नीचे AC वेंट्स, AC के कंट्रोल्स, यहाँ पे नीचे हम देखें तो वायरलेस मोबाइल चार्जर, 12 वोल्ट पावर आउटलेट और यहाँ पे USB के 2 पोर्ट, यहाँ पे 2 कप होल्डर, यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक, यहाँ पे है आर्म रेस्ट, उसके अंदर स्टोरेज स्पेस। ZX मॉडल में यहाँ पे हैंड रेस्ट और यहाँ पे डोर पे दोनों जगह लेदर का फिनिश दिया गया है, काफ़ी सॉफ्ट टू टच है। यहाँ पे पावर विंडो के कंट्रोल्स, आउटसाइड रियर व्यू मिरर, रिट्रैक्ट और एडजस्ट के लिए स्विचेस और लॉक अनलॉक का बटन। V मॉडल में आपको इस प्रकार का मैनुअल टाइप का डे नाइट वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है। यहाँ पे है इसके कैबिन लैंप, ड्राइवर साइड सनवाइजर, इसमें मिरर नहीं है, ये को ड्राइवर सनवाइजर, इसमें मिरर मिल जाता है। VX में भी आपको इस प्रकार का मैनुअल टाइप डे नाइट टाइप इनसाइड रियर व्यू मिरर मिल जाता है। जहाँ V मॉडल में कैबिन लाइट्स हैलोजन वाले थे, वही आपको VX में यहाँ पे LED वाले दिए गए हैं और यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स। ZX में आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप का ऑटो डिमिंग मिरर मिल जाता है, इसमें भी लगे LED कैबिन लाइट्स, यहाँ पे सनरूफ के कंट्रोल्स। V मॉडल में आपको कुछ इस प्रकार के ड्यूअल टोन फैब्रिक सीट्स मिल जाते हैं, ब्लैक और बेज में। यहाँ पे आप स्टिचिंग नहीं देख सकते, ड्राइवर साइड सीट को आप मैन्युअली फॉरवर्ड बैकवर्ड, बैकरेस्ट इंक्लाइन डिक्लाइन और सीट हाइट मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हो। V मॉडल की तरह VX में भी आपको इस प्रकार के ड्यूअल टोन फैब्रिक सीट्स मिल जाते हैं, लेकिन एक डिफरेंस ये है कि यहाँ पे आपको स्टिचिंग दी गई है, जो आपको V मॉडल में नहीं मिलती है।
वैसे इसके भी ड्राइवर साइड सीट को आप मैन्युअली फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक रेस्ट इंक्लाइन डिक्लाइन और सीट हाइट यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। ZX में आपको इस प्रकार के ब्राउन कलर्ड लेदर सीट्स मिल जाते हैं, कम्प्लीटली ब्राउन और ब्लैक यहाँ पे आप देख सकते हो। ZX के ड्राइवर साइड डोर को आप मैन्युअली फॉरवर्ड बैकवर्ड बैक रेस्ट इंक्लाइन डिक्लाइन और सीट हाइट एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिकली नहीं है, मैन्युअली आपको करना पड़ेगा। वी मॉडल का डोर, यहाँ पे गन मेटल का फिनिश, ये पोर्शन है प्लास्टिक में, यहाँ पे कंट्रोल्स, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स, यहाँ पे स्टोरेज स्पेस और यहाँ पे स्पीकर। VX मॉडल का डोर गन मेटल में, यहाँ पे फिनिश, ये पोर्शन है प्लास्टिक में लेकिन ये है फैब्रिक में, एक बॉटल होल्डर, स्टोरेज स्पेस और स्पीकर। ZX का डोर, यहाँ पे आप देख सकते हो गन मेटल फिनिश, यहाँ पे है एक बॉटल होल्डर और यहाँ पे स्टोरेज स्पेस, यहाँ पे स्पीकर। यह है वी मॉडल का सेकेंड रो, यहाँ पे भी आपको फैब्रिक सीट्स इस प्रकार से मिल जाते हैं। ये एक 60-40 टाइप का स्प्लिट सीट है अलॉन्ग विथ टू हेड रेस्ट, यहाँ पे आर्म रेस्ट नहीं है। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे दो AC वेंट्स है, उसके नीचे एक 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है। यह सेकेंड रो डोर वी मॉडल VX मॉडल सेकेंड रो सीट, यहाँ पे अगर हम देखें तो इस प्रकार के फैब्रिक सीट्स अलॉन्ग विथ टू हेड रेस्ट, इसमें भी आपको आर्म रेस्ट नहीं मिलता है। रियर पैसेंजर्स के लिए है दो AC वेंट्स और यहाँ पे 12 वोल्ट का पावर आउटलेट। यह है VX का सेकेंड रो डोर। ZX मॉडल सेकेंड रो सीट्स कम्प्लीटली ब्राउन लेदर में आपको मिल जाते हैं, दो हेड रेस्ट है और यहाँ पे सेंट्रल आर्म रेस्ट अलॉन्ग विथ कप होल्डर्स मिल जाता है। रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पे है AC वेंट्स और नीचे है 12 वोल्ट का एक पावर आउटलेट। ZX वेरिएंट का ये है सेकेंड रो डोर, यहाँ पे ट्विटर दिया गया है। VX ZX तीनों गाड़ियों में आपको 458 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है। तीनों गाड़ियों में आपको इस प्रकार का रियर पार्सल ट्रे भी मिल जाता है। तीनों गाड़ियों में यहाँ पे स्पेयर व्हील रखा गया है जो कि एक स्टील रिम है। अगर इंजन की बात करें तो तीनों वेरिएंट में आपको 1500cc का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाता है जो 119 HP की पावर और 145 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करता है। तीनों भी गाड़ियों में आपको इधर 6-स्पीड मैनुअल या फिर 7-स्पीड CVT का ऑप्शन मिल जाता है। तीनों भी गाड़ियों में सिमिलर टाइप के सस्पेंशन और सिमिलर टाइप की ब्रेकिंग सिस्टम दी गई है। वेल, सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको वी और VX में दो दो एयरबैग्स मिलते हैं, वही आपको ZX में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं। आपको लेन वॉच कैमरा जो है वो VX में मिलता है और ZX में भी मिलता है, V मॉडल में आपको वो नहीं मिलता है। सबसे मेजर डिफरेंस ADAS यानी कि एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम आपको सिर्फ ZX वेरिएंट में मिलता है, इन दोनों में वो नहीं है। वेल, आपको ADAS आजकल की जो ट्रैफिक है, जिस प्रकार के लोग आजकल चलते हैं, तो ADAS के फीचर्स आई थिंक बहुत हेल्पफुल रहेंगे। ADAS में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको कोलिजन मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि अगर आगे कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो गाड़ी ब्रेक लगा देगी। अगर आप ट्रैफिक में हो, आगे की गाड़ी मूव कर रही है, तो आपको नोटिफाई करेगी कि आपको भी आगे मूव होना है। उसके अलावा आपको लेन कीपिंग में भी ये गाड़ी असिस्ट करेगी। उसके अलावा आपको गाड़ी में ऑटो हाई बीम असिस्ट भी दिया गया है। ADAS के अंदर आपको एडाप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, यानी कि अगर आगे की गाड़ी अगर 40 की स्पीड पर चल रही है, आपने स्पीड 60 की सेट की है, तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली स्पीड स्लो कर लेगी और जब वो गाड़ी को आप ओवरटेक करोगे उसके बाद वापस इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। अगर एक शोरूम प्राइजेस की बात करें तो वी वेरिएंट है 12,30,900, VX वेरिएंट है 13,69,900 और ZX वेरिएंट है 15,09,900। तो VX वेरिएंट वी वेरिएंट से ऑलमोस्ट 1,40,000 महंगा है और ZX वेरिएंट वी वेरिएंट से ऑलमोस्ट 2,80,000 रुपये महंगा है। तो एज़ पर योर बजट आप इन तीनों में से बेस्ट वेरिएंट चूज कर सकते हो। मैंने सारे फीचर्स तो यहाँ पे बता दिए हैं, तो जिस प्रकार का आपका यूसेज और बजट है उस हिसाब से आप 11 का वेरिएंट प्लान कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।